हरिद्वार में तेज बारिश और आंधी के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। तेज आंधी और बारिश की वजह से एक पेड़ गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। कई लोगों को पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम ने रेस्क्यू कर बचाया। ज्वालापुर क्षेत्र में पेड़ के नीचे दबने से एक बच्चे की मौत हो गई। 3 घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भिजवाया गया। तेज आंधी और बारिश के बीच डीएम एवं एसएसपी ने खुद रेस्क्यू की बागडोर संभाली। आंधी की चपेट में आकर शहर क्षेत्र में एक युवक की मृत्यु हो गई। मृतक के चाचा को पुलिस टीम ने रेस्क्यू किया। पेड़ गिरने के कारण जनपद में जगह जगह सड़कें बाधित हो गई हैं। पुलिस ने कहा, तेज आंधी के चलते घटी घटना अप्रत्याशित है। हमारी सभी टीमें हर स्थिति में निपटने को तैयार हैं। हम हर संभव तरीके से पीड़ितों की मदद का प्रयास कर रहे हैं। ज्वालापुर के रिहायशी इलाके में यहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ था, करीब 200 साल पुराना। लोग वहाँ पर आवाज जाई भी चल रही थी, कुछ बच्चे और लोग शरण लेके नीचे आ गए। पेड़ गिरने के कारण उसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ उसमें दब गई और साथ ही साथ कुछ बच्चे और ये भी दब गए। 3 लोग को रेस्क्यू करके निकाल के पहले भेज दिया गया था, चूँकि एक पेरेंट्स है उनके द्वारा बताया गया उनका बच्चा अभी मिसिंग है, 5-7 साल का। उसके लिए लगातार 3-4 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था कि कहीं ना कहीं अगर है तो। और अभी आपने जैसे देखा, तत्काल उसको 3 घंटे की मेहनत के बाद से अभी वो जैसा भी भेजा गया लाइव है और उसको अस्पताल तुरंत भेजा गया। तो ये चौथा इंजर्ड था जो अभी निकाला गया। अब किसी की संभावना नहीं, चूंकि किसी ने मिसिंग नहीं बताई है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।